हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे नाश्ते के लिए ब्रेड पोहा। और ब्रेड पोहा के लिए हमें सामान चाहिए, ब्रेड स्लाइसेस, प्याज, हरी मिर्च, कड़ी पत्ता और मूंगफली और सरसों के दाने और नमक मसाले। और इसके लिए ब्रेड को पानी में डिप करने के लिए हमने यहाँ पर पानी भी ले लिया है। गैस पर मैंने अपना बर्तन रख लिया था, तेल इसमें डाल दिया है, तेल गर्म हो चुका है। अब मैं इसके अंदर थोड़े से सरसों के दाने डालूंगी। तेल गर्म था इसलिए सरसों के दाने अब इसमें चटक रहे हैं। जब ये थोड़ा अच्छे से चटक जाएंगे उसके बाद मैं इसमें प्याज और हरी मिर्च और कड़ी पत्ता डालूंगी। सरसों के दाने चटक गए हैं, अब इसमें मैं प्याज, हरी मिर्च, कड़ी पत्ता जो मैंने काटा था वो डाल दूंगी। प्याज मेरे फ्राई हो रहे हैं, इन्हें हल्का हल्का भूनूंगी। बहुत अच्छी कड़ी पत्ता की, हरी मिर्च की और प्याजों की खुशबू आ रही है। साइड में मेरी चाय भी बन रही है, नाश्ता बन रहा है। और मैंने इधर कढ़ाई में मैंने मूंगफली को रोस्ट होने रखा है, जिसे जब ये पोहा तैयार हो जाएगा उसके बाद मैं इसके ऊपर इसको डालूंगी। आप इसके अंदर डालकर भी इसको फ्राई कर सकते हैं, बट मैं इसको अलग से रोस्ट कर रही हूँ तो मूंगफलियों का अपना तेल भी रिलीज हो रहा है। और मूंगफली जो है वो मैं ड्राई रोस्ट कर रही हूँ इसको कढ़ाई में डाल के। इधर मेरे प्याज जो हैं वो फ्राई हो रहे हैं, जब ये थोड़े से और फ्राई हो जाएंगे, भुन जाएंगे, इसके बाद मैं इसके अंदर ब्रेड और मसाले डालूंगी। चलिए अब इसमें मसाले डालती हूँ। थोड़ी सी लाल मिर्च, थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा सा गरम मसाला, नमक, साथ ही इसमें टमाटो केचप भी डालूंगी। थोड़ी सी टमाटो केचप डाल रही हूँ, अब इसे अच्छे से मिलाऊंगी। अब ब्रेड को ले रही हूँ, इसे पानी में डिप करूंगी और स्क्वीज करूंगी अच्छे से। और इसे क्रम्बल करके इस पे डाल, अब इसे अच्छे से मैं मिक्स कर दूंगी। अब ये
ये जो मूंगफली मैंने रोस्ट की थी, इस मूंगफली को भी मैं इसके अंदर डाल दूंगी। अब मैं इसे अच्छे से मिला। बहुत अच्छा हमारा ब्रेड पोहा तैयार। इसे सर्व करके दिखाती हूँ आपको। लीजिए फ्रेंड्स, मेरा यमी ब्रेड पोहा तैयार है नाश्ते के लिए। अगर आपको अच्छा लगे तो आप भी ये रेसिपी ट्राई करके ज़रूर देखिए। बहुत ही टेस्टी ब्रेकफास्ट। थैंक यू।